अपने कोर्स में, और अगर जो नहीं समझे हैं तो उनके लिए उनके लिए ज्यादा फोकस करूंगा मैं, और उनको मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा ताकि वो सारी चीजों को प्रॉपरली समझ पाए और आपका क्लास अटेंड करने का पर्पस जो है वो फुलफिल हो पाए, है ना। सिर्फ इस तरह हमारा इंटरेक्शन करना और बात करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आपको जो बताया जा रहा है आप उसको किस हद तक समझ के आप उसको अपनी लाइफ में सीख पा रहे हो, एज एन डायरेक्टर आप उसको सीख पा रहे हो कि आप उस चीज को अप्लाई कर सको आगे जाके इन फ्यूचर, आप जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट या फिर इस लाइन में आके आप एक्टिव होते हो। ठीक है, तो ये चीज मेरी याद रखना, कोई भी चीज हो हर क्लास में आप लिखा करो, कोई भी टॉपिक अगर आप जिसको आप दोबारा समझना चाहते हैं या डिटेल में समझना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको उसमें हो सकता है, कई लोगों का नेटवर्क इश्यू हो जाता हो बीच में, या किसी किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी काम की वजह से नहीं सुन पाते या क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो मुझे छोटा सा उसके बारे में बताओ आप कि सर ये चीज है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस चीज पे आप थोड़ा सा डिटेल में हमें समझा दें वापस से। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आई होप सब लोग जुड़ चुके होंगे, है ना। लास्ट टाइम हमारी बात हुई, कुछ मैंने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके बताया, कुछ एडीज के बारे में सारी चीजें मैंने क्लियरली बताई हैं, आई होप वहां तक सबको क्लियर होगा सब कुछ। आज मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट टाइम मैंने जहां पे बात छोड़ी थी कि ये सारे डिपार्टमेंट्स क्लियर होने के बाद डायरेक्टर का काम होता है जब हम फ्लोर पे जाने वाले हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो फ्लोर पे जो बैक कैमरा जो डिपार्टमेंट है उसका सारा मैंने प्री प्रोडक्शन में आपको बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, प्री प्रोडक्शन में सारे मैंने आपको डिस्क्राइब किए और समझाया। अब बात आती है कि जो फ्लोर पे काम करने वाले, जो फ्रंट कैमरा काम करने वाले जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स की प्रिपरेशन डायरेक्टर की नजर में क्या होती है और डायरेक्टर उनको किस तरीके से प्रिपेयर करता है, क्योंकि कोई भी एक्टर हो कोई भी एक्ट्रेस हो उसको स्टोरी के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जाता है हर कैरेक्टर में, है ना। क्योंकि अगर आप अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन की तरह प्रेजेंट करोगे तो हो सकता है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट अपने आप को करे, लेकिन अमिताभ बच्चन को अगर किसी दूसरे कैरेक्टर में प्रेजेंट करना है तो उसमें जो डायरेक्टर है उसको देखना होगा कि क्या ये सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं। तो कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको वर्कशॉप की जरूरत नहीं होती और जो अपने कैरेक्टर को बखूबी अपने अपने सेल्फ रिहर्सल और सेल्फ स्टडी से उसको निखार देते हैं। कुछ एक्टर्स जो लीड एक्टर्स, मोस्टली लीड एक्टर्स पे कुछ दिन का वर्कशॉप होता है जिसको डायरेक्टर कंडक्ट करवाता है, डायरेक्टर रहता है उसमें, और एक मेंटोर को रखा जाता है जो एक्टिंग स्किल्स के बारे में उनको बताता है और कुछ बारीकियां बता के उस एक्टर के कैरेक्टर को जिंदा करता है, उस एक्टर के कैरेक्टर को। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे वर्कशॉप के बारे में, क्योंकि मुझे जितनी मैं क्लासेस मैंने ली हैं तो मुझे यहाँ पे पता चला कि कुछ एक्टिंग पर्पस से भी यहाँ पे लोगों ने कोर्स लेके रखा है, कुछ राइटिंग पर्पस से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं आज वर्कशॉप का एक एनालिसिस करके आपको ये बताऊंगा कि वर्कशॉप जो होती है वो एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको उसमें से कुछ चीजें सीखने को आज मिल सकती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आपने जो स्क्रिप्ट में लिखा है, राइटर ने जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो अल्फाजों में है, जो शब्दों में है, जो वर्ड्स में है, उसको इमोशन में किसी कैरेक्टर के ऊपर कैसे फिट किया जाए, कैसे उसको उभारा जाए इमोशंस के थ्रू, तो ये काम होता है वर्कशॉप का, एक्टर के ऊपर जो डायरेक्टर काम करता है। ठीक है, तो अभी बात यहाँ पे है कि वर्कशॉप क्यों होता है और वर्कशॉप करना जरूरी है क्या? जरूरी ऑब्वियसली है, क्योंकि आप अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको समझ नहीं आ रहा है कि कोई मैं इस कैरेक्टर में कैसे मोल्ड हो जाऊं, मैं कैसे इस कैरेक्टर को पिक कर लूं, उन सब चीजों के लिए वर्कशॉप होता है, एक्टर की एक्सरसाइज होती है, उन सब के बारे में कराया जाता है, उसको वैसा एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है वर्कशॉप के टाइम पे कि एक्टर उन चीजों को अपने अंदर उतारता है, उस कैरेक्टर को अपने अंदर उतारता है। ठीक है, तो वर्कशॉप बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि वर्कशॉप लेने में राइटर का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, डायरेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, और एक्टर अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता है वर्कशॉप में। तो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को सीखने
सारा विजुअल पता होता है। डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसको नरेशन दिया राइटर ने, तो उसके दिमाग में तब से ही विजुअल्स चलने लगते हैं स्क्रीन प्ले को लेके, कि मैं इसको इस फ्रेम में ऐसे शूट करूंगा, इस वाले डायलॉग को इस फ्रेम में ऐसे शूट करूंगा। ओके, तो जब वर्कशॉप होती है तो उस एक्टर को वो उस नजरिए से देखता है, उस एक्टर को वो जो भी रियल उसका कैरेक्टर है वो उसको नजर नहीं आता, वो उसमें एक्टर में उस कैरेक्टर को जिंदा करके देखता है कि ये जो मेरे सामने खड़ा है क्या ये उस कैरेक्टर को बखूबी निभा पाएगा। अगर निभा पा रहा है तो वर्कशॉप करने का और उस कैरेक्टर की कास्टिंग करने का, एक्टर की कास्ट करने का पर्पस सॉल्व होता है, नहीं तो कभी कभी एक्टर्स को स्प्लिट भी कर दिया जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर की वर्कशॉप हो जाती है, एक्ट्रेस की वर्कशॉप हो जाती है, लेकिन अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, राइटर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो डायरेक्टर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो एक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, तो ये पर्पस है वर्कशॉप करने का। और वर्कशॉप में, अभी मैं बताता हूँ वर्कशॉप में होता क्या है। वर्कशॉप में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को, जिस भी एक्टर पे हम देखना चाहते हैं उसको वर्कशॉप के लिए तैयार किया जा रहा है, तो उसके तैयारी का प्रोसेस क्या होता है कि उसमें उस कैरेक्टर पे रिसर्च कराया जाता है पहला, कि आपका इस तरीके, जैसे आपने समझो कि आपने अभी किसी ने भी लाल सिंह चड्ढा देखी होगी, है ना, तो लाल सिंह चड्ढा रीमेक है फॉरेस्ट गम का, जो हॉलीवुड पिक्चर है। तो आमिर खान ने वो कैरेक्टर वापस से पिक करने की कोशिश की है, एक एबनॉर्मल इंसान का। तो आमिर खान ने उस पर रिसर्च किया, है ना, फॉरेस्ट गम में जो कैरेक्टर प्ले किया उन पे रिसर्च किया, जो इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं उन पे रिसर्च किया। तो ये रिसर्च होता है पहला एक्टर का। अगर कुछ इतना डिफिकल्ट या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें जो कैरेक्टर है, और कोई भी अगर नॉर्मल कैरेक्टर है तो नॉर्मल कैरेक्टर उठाया जाता है हमारे आसपास के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेट करके, है ना, कि अगर कोई बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर है तो उसको आसपास के किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करके देखा जाएगा, कि अगर गुस्से वाला है तो वो इस इंसान की तरह हाव भाव होंगे, उसके बॉडी लैंग्वेज उसका वैसा होगा, डायलॉग्स का थ्रो उसका वैसा होगा, अगर वो बोलेगा तो उसके आईब्रोज ऐसे होंगे, आंखें बड़ी होंगी, या फिर गुस्सा किस तरीके से एक गुस्से वाला इंसान अपने आप को प्रेजेंट करता है बाकी लोगों के सामने, तो वो हाव भाव समझने का काम होता है वर्कशॉप में, है ना। कैरेक्टर को अगर मैं, जैसे मान लो ये एक कैरेक्टर, अब इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाना है, तो अगर मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ये नेगेटिव नहीं है, है ना, तो अब मुझे इसमें, अब डायरेक्टर और जो मेंटर होता है वर्कशॉप में वो यही बताता है कि ये जो एक्टर है इसको किस तरीके से चेंजेस अपने अंदर करने होंगे कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे या बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे, तो ये काम वर्कशॉप में होता है। और दूसरी चीज ये कि अब अभी ये डायरेक्टर का काम हो गया कि डायरेक्टर को क्या चीजें उसमें करनी होती है। राइटर का काम क्या होता है, राइटर अगर अपने पर्पस से देखें तो राइटर को कई चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें राइटिंग करते टाइम जो उसके दिमाग में आया उसने लिखा, ठीक है, अभी वो किसी को अपने उन्हीं लाइंस पे उसी कैरेक्टर पे परफॉर्म करते हुए देख रहा है, तो हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चीजें और ऐसी आ जाएं कि यार ये कैरेक्टर अगर इस तरीके से थोड़ा सा और ऐसा बिहेव करेगा, थोड़ी सी ये लाइन और इसमें इंक्लूड कर दी जाए तो ये कैरेक्टर और उभर सकता है, तो राइटर को भी इम्प्रोवाइज करने का मौका वहां पे मिलता है ना, कि मैंने तो ये सोच के लिखा था कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, लेकिन ये जो बंदा है या ये बंदी है ये इस कैरेक्टर को इस तरीके से निभा रही है, तो मैं इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के और ज्यादा जान डाल सकता हूं इसमें, तो ये राइटर के लिए बेनिफिट है वर्कशॉप का। अब आते हैं मेन जो पर्पस सॉल्व होता है एक्टर से, उसके ऊपर आते हैं कि एक्टर को वर्कशॉप में क्या करना चाहिए। जो भी एक्टर यहाँ पर होंगे, जो भी एक्टिंग पर्पस से देख रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनो कि एक्टर यहाँ पे एक बहुत ही फ्रीडम वाली जगह पे होता है अगर आप वर्कशॉप में हो तो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने आप को पॉलिश करने का, क्योंकि कैमरे के सामने आप जब भी जाओगे आपके पास कुछ रिटेक्स होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रिटेक्स लोगे आप
तो आप फिर अच्छे एक्टर नहीं है, है ना, या फिर आप में वो क्वालिटीज नहीं है। तो बहुत ज्यादा रीटेक लेने वाले जो होते हैं वो शायद वही होते हैं जो वर्कशॉप में बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म अपने आप को नहीं कर पाते, या अपने स्किल्स को नहीं डेवलप कर पाते, है ना। तो अगर आप रीटेक से बचना चाहते हो, अपने आप को पॉलिश करना चाहते हो, तो वर्कशॉप में आपको जो टाइम दिया जाता है आप उस पे बहुत अच्छे से अपने आप को पॉलिश करो। पॉलिश करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप कैरेक्टर को समझो पहले। एकदम बेसिक सा सिंपल सा एक रूल है कि आप जब भी वर्कशॉप में जा रहे हो, या आप जब एज इन डायरेक्टर वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हो, है ना, या फिर आप एज इन राइटर वर्कशॉप के लिए आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी आप भी उसमें वर्कशॉप में शामिल हो, उसका हिस्सा हो, तो आप अपना नजरिया बताओ कि मैंने इस नजरिए से ये स्क्रिप्ट लिखी है। डायरेक्टर अपना नजरिया बताएगा कि हाँ करेक्ट, ये स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी है और मैं इसमें थोड़ा सा ये फ्लेवर चाहता हूँ इस कैरेक्टर में। ये डायरेक्टर का नजरिया हो गया। अब एक्टर का पॉइंट आता है कि क्योंकि एक्टर भी सीखा हुआ है, एक्टर को भी पता है किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है, कैसे हम इसको और इम्प्रोवाइज करके और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टर का भी एक इम्प्लीमेंट आता है कि एक्टर भी बोलता है कि सर अगर हम इसको ना इस तरीके से मोल्ड करके या इस तरीके से थोड़ा फ्लेवर चेंज करके करें तो मे बी शायद ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो वर्कशॉप का ये मोटिव होता है कि वर्कशॉप में चीजों में जान डालने के लिए सारे डिपार्टमेंट के लोग अपनी अपनी साइड से 100% मेहनत करते हैं। एक्टर चाहता है कि इस कैरेक्टर को मैं और अच्छे से उभारूं तो मैं इस तरीके से इसमें जान डालूंगा, मैं इसको इस तरीके से करूंगा इस कैरेक्टर को। डायरेक्टर भी बोलता है कि यार इसको अगर ऐसा थोड़ा और इस तरीके से कर दिया जाए, थोड़ा और ऐसा मोल्ड कर दिया जाए, तो वो किया जाता है। और आगे का प्रोसेस फिर ये होता है कि अब कैरेक्टर डिजाइन हो गया कि ये कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक पुष्पा का कैरेक्टर जो अभी आप सबने देखा होगा, शायद हो सकता है वो राइटर ने ना लिखा हो कि एक जो लीड कैरेक्टर है वो ऐसा शोल्डर डाउन करके चलेगा, है ना, उसका ऐसा बाल होगा, ऐसा बियर्ड होगा, हो सकता है वो राइटर ने ना लिखा हो। ये कुछ लुक्स पे डायरेक्टर ने सजेशन दिया हो कि उसका शर्ट रहेगा, शर्ट के अंदर उसका बनियान रहेगा और फिर वो ऐसे शर्ट पहनेगा, बाल उसके ऐसे होंगे, दाढ़ी ऐसी होगी। अब इस पे काम चल रहा होगा वर्कशॉप में। अब हो सकता है ये जो शोल्डर डाउन करने वाला है ये अल्लू अर्जुन ने आइडिया दिया हो, है ना। वर्कशॉप का काम ही ये है कि हम कैसे कैरेक्टर को और ज्यादा जिंदा कर सकते हैं। तो हो सकता है अल्लू अर्जुन ने बोला हो कि सर मैं अगर इसको ऐसा करूंगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव लगेगा एक नेगेटिव के लिए, कि जिस तरीके का वो इंसान है वो अगर ऐसा करके चलेगा तो एक अलग उसका वो पहचान समझ आएगी बाकी कैरेक्टर्स से मूवी में। समझ रहे हैं आप जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं? तो वर्कशॉप का ये मीनिंग होता है क्योंकि आपको कैमरे के सामने ना डायरेक्टर को इम्प्रोवाइजेशन का इतना मौका होता है ना एक्टर को। ऑब्वियसली होता है लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है कि हमें 15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में शूटिंग खत्म करनी है, तो वो टारगेट सबके दिमाग में होता है। तो हम अगर 15 दिन की वर्कशॉप पहले कर रहे हैं, 1 महीने की वर्कशॉप पहले कर रहे हैं, तो उसमें आप जान डालो अपनी। ओके, दूसरी चीज ये कि आप जब वर्कशॉप कर रहे होते हो तो वर्कशॉप को आप फील्ड से रिलेट करके देखो कि अगर मैं इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं या फिर मैं करवा रहा हूं एज एन डायरेक्टर, तो ये चीज इंप्लीमेंट हो पाएगी फील्ड पे ऑन कैमरा। क्योंकि एक्टर्स को वर्कशॉप कराने का पर्पस ही ये होता है कि उस कैरेक्टर में आके, उस कैरेक्टर को जीते हुए, उसको जिंदा करते हुए कैमरे के सामने परफॉर्म करना। तो कई बार क्या होता है, इसका भी मैं बता रहा हूं, कई बार क्या होता है अगर 10 दिन 15 दिन वर्कशॉप चली उसके बाद डायरेक्टर जो होता है वो स्क्रीन प्ले पे अपना दिमाग चलाता है कि हाँ ये मेरा सीन डिजाइन हुआ वर्कशॉप में, यहाँ से लड़की आई, यहाँ से लड़का आया, ये मेरा सीन डिजाइन हुआ, यहाँ पे इनका ये हुआ, ये हुआ, ये सब डिजाइन किया। अब इसमें उसका दिमाग चलता है स्क्रीन प्ले को लेके। अब एक्टर्स का दिमाग चलता है कि मैं इसको इस तरीके से मैं कर रहा हूं, अगर मेरा प्रोफाइल ये लिया जा रहा है, राइट टर्न लिया जा रहा है, लेफ्ट टर्न लिया जा रहा है, बैक साइड से लिया जा रहा है, तो उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। उन सब चीजों पे मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज पे। वर्कशॉप में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपका जेस्चर पॉस्चर, आपके कंटिन्यूटी जो आप पकड़ोगे कि आपने अगर किसी डायलॉग पे आके आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, या किसी डायलॉग पे आके आपको आपको गन चलानी है या आपको चाकू मारना है, तो ये चीजें इंप्रूव होती हैं वर्कशॉप में। बॉडी लैंग्वेज का कैसे उस पे वर्कशॉप से हम बेनिफिट ले सकते हैं बॉडी लैंग्वेज पे, कि बॉडी लैंग्वेज आपको समझनी होगी कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है। ये डायरेक्टर को भी समझना होता है, ये एक्टर को भी समझना होता है। ऐसा नहीं कि आप एज इन डायरेक्टर आप समझ गए तो अगर एक्टर नहीं समझेगा तो भी चलेगा, बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ अच्छा क्रिएट करने में है, कोई अच्छा कंटेंट बनाने में, कोई अच्छा प्रोजेक्ट रेडी करने में है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी कैरेक्टर लिखा गया है, जो भी कैरेक्टर स्क्रिप्ट में डिजाइन किया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैरेक्टर क्या चाहता है, डायरेक्टर से भी और एक्टर से भी। अगर एक्टर समझ गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है और मैं इसमें ये चीज डालूंगा, और एक्टर ने अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी कर दिया, लेकिन उसको पिक्चराइज डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से नहीं किया, तो क्या वो चीज रिजल्ट दिखेगी स्क्रीन पे? नहीं दिखेगी, कतई नहीं दिखेगी। एक ने तो अपना काम अच्छे से समझ लिया, एक्टर ने बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर लिया, बहुत अच्छे से कैरेक्टर समझ लिया, लेकिन जो पिक्चराइज करने वाला है वो शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई उसमें, डायरेक्टर में कहीं ना कहीं कमी रह गई कि मुझे इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करना था लेकिन नहीं कर पाया। आप देखो, आपने मे भी शायद मोस्टली सभी लोगों ने केजीएफ देखी होगी। केजीएफ क्या है? एक नेगेटिव कैरेक्टर है रॉकी का, है ना, जिसको हाईलाइट बनाया किसने, उसकी शॉट टेकिंग ने, उसके लुक्स ने और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके डायलॉग्स ने, है ना। अब सोचो अगर कि आप जो यश, जो जिन्होंने रॉकी का कैरेक्टर प्ले किया है, अगर डायरेक्टर ने उनको शॉट टेकिंग इतनी अच्छी दे दी होती कि एंट्री ऐसी हो रही है, एकदम स्लोमो में एंट्री हो रही है, कार रुक रही है, काला कोट है, ये है वो है, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर यश उस चीज को अच्छे से प्ले नहीं कर पाते, तो क्या आप सबके ऊपर या मेरे ऊपर वो रॉकी भाई वाला वो इमेज वैसा बन पाता? कतई नहीं बनता। तो ये बहुत, देखो ये नॉर्मल चीज है बाकी ऑडियंस के लिए कि हाँ रॉकी भाई है, केजीएफ मूवी है, बहुत अच्छी है, ऐसी बनी वैसी बनी। आपको इन सब चीजों से सीखना है कि अगर यश अपना अच्छे से काम कर जाते, यश ने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, उसने केजीएफ के बाद उसने शायद मेरे हिसाब से हेयर कट और बियर्ड ट्रिम कराया ही नहीं, हमेशा वो उसी उस लुक में कंटिन्यू रहे, है ना। ये डेडिकेशन भी होता है। और आप ये समझो कि अगर वर्कशॉप हो रहा है और किसी कैरेक्टर की तैयारी हो रही है, तो उस टाइम तक जब तक वो मूवी का शेड्यूल खत्म नहीं होता, वो कैरेक्टर उसी मूड में रहता है। इस हद तक एक्टर्स अपने आप को डुबा लेते हैं एक्टिंग में, और डायरेक्टर भी यही चीज देखना चाहता है। डायरेक्टर भी हमेशा उसी चीज से, उसी ख्यालों में डूबा रहता है कि मैं इस मूवी को किस हद तक हाइप कर सकता हूँ, किस हद तक इसको उस उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। क्योंकि केजीएफ देखो ना, आप, मैंने अभी एग्जांपल दिया, केजीएफ में अगर आपको डायरेक्टर वीक पड़ जाता, तो आपको शॉट टेकिंग, कलर करेक्शन, वो सारे वो जो मैजिक सीन्स आपको देखने को मिले हैं कि जो एकदम मैस्मराइज कर दें आपको, कि गन चल रही है, रॉकी भाई की एंट्री, बाल उड़ रहे हैं, सिगार पी रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, नोटिस किया कभी आपने? कार में से उतरना रॉकी के, रॉकी का अगर बैक साइड भी दिख रहा है, तो किस किस डेडिकेशन से उस बैक साइड को शूट किया गया है, कैमरा एंगल्स आपने देखे, कभी नोटिस किया किस तरीके से उसको एक्स्ट्रा वो सारी चीजें देखे, कितना हाईलाइट किया गया, लाइट स्मोक, है ना, और जो वहां पे वो दिखाते हैं जब फाइट सीन में, वो धूल के वो कण और ये, वो कितना
कितना ये सब किसका दिमाग है? ये रॉकी भाई का दिमाग है, ये यश का दिमाग है, ऑब्वियसली ये डायरेक्टर ने सोचा ही कि मुझे लाइट, मुझे ऐसा ऐसा सीन बनाना है, मुझे ये चीज डार्क में दिखानी है, डार्क में दिखानी है लेकिन इतनी तगड़ी दिखनी चाहिए, वो इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि लोगों की नजरों में छप जाए वो। ये डायरेक्टर का, ये इतनी छोटी छोटी चीजों पे, इतनी बारीकी वाली चीजों पे दिमाग होना चाहिए डायरेक्टर का। सिर्फ ये नहीं होता डायरेक्टर का दिमाग कि बाल बड़े कर लो, रॉकी भाई बन गए, दाढ़ी बड़ी कर लो, ऐसा कोट पहना देंगे, ऐसी गाड़ी में एंट्री करा देंगे, खत्म। एक छोटी से छोटी चीज डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और जो चीज डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो अगर डायरेक्टर के मुंह से निकली और वो एक्टर के लिए और सारे क्रू और पूरी यूनिट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टर ने बोला है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो ऐसा चाहिए मतलब ऐसा होना ही चाहिए। ये जो डायरेक्टर ने बोल दिया वो अगर हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो डायरेक्टर को बहुत छोटी से छोटी चीज डिजाइन करनी पड़ती है अपने दिमाग में, अपने पेपर पे, उसके बाद उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी एक्टर के ऊपर, किसी भी फील्ड में, किसी भी पिक्चर में, किसी भी प्रोजेक्ट में। ओके, तो आप उसका डिटेलिंग समझो। डायरेक्टर का जो दिमाग चलता है ना वर्कशॉप में, ये पूरा आज का जो सेशन है हमारा वर्कशॉप पे चल रहा है अभी भी, आप ये समझो वर्कशॉप पे ही हैं हम जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि कैरेक्टर को क्या डिजाइन करना है, कैसा कैरेक्टर दिखना चाहिए, ये सारी चीजें मोस्टली वर्कशॉप में ही डिसाइड हो जाती है कि किस तरीके के कॉस्ट्यूम होगा, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज होगा, किस तरीके का लुक होगा उसका। छोटी चीज नहीं है डायरेक्टर, और छोटा काम भी नहीं है। आपको सारे डिपार्टमेंट्स को ना यहाँ पे परमानेंटली वर्किंग रखना होगा कि मेरा सेट कैसा होगा, मेरी लाइटिंग्स कैसी होगी, मेरे कैमरा एंगल्स कैसे होंगे, एक्टर की परफॉर्मेंस कैसी होगी, डायलॉग्स कैसे होंगे। डायलॉग्स भी अभी देखो मैं आपको बता दूं कि जो राइटर डायलॉग लिखता है वो बहुत सोच समझ के लिखता है, बहुत अच्छे डायलॉग लिखता है, लेकिन अगर फील्ड पे या वर्कशॉप में डायरेक्टर ने जो इमेज बना ली उस कैरेक्टर की, उस इमेज पे अगर थोड़ा सा भी डायलॉग यहां वहां जाता है तो डायरेक्टर उसको कट करके उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके उसमें कुछ और ही डाल देता है। ये फ्रीडम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के पास होता है कि अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग टू एंड तक मूवी में हम उसको फनी नहीं दिखा रहे, और अगर कहीं पे भी उसका डायलॉग ऐसा आ गया जिसमें आप थोड़ा सा भी उसका फनी पार्ट आया या फिर ऑडियंस को सुन के अगर हंसी आ जाए, और अगर वो उस तरीके का कैरेक्टर दिखाना ही नहीं चाहता, एक सेकंड के लिए डायरेक्टर दिखाना नहीं चाहता, तो वो उस डायलॉग को हटा दे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है डायरेक्टर। कैरेक्टर उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसी के लिए इतनी मेहनत होती है, वर्कशॉप होती है ना। कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए एक्टर के ऊपर बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, और एक्टर को बहुत काम करना पड़ता है कैरेक्टर अपने अंदर जिंदा करने के लिए। ओके, तो ये वर्कशॉप का सेशन था हमारा। अभी आप जो भी सवाल करो तो आप उसमें ये बताना मुझे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो और डिटेल में समझनी या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे उस सवाल के साथ में वो चीज बोलना। ओके, या फिर आज 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 जिससे भी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ या जो भी कनेक्ट नहीं हो पाता है आज, तो हम नेक्स्ट क्लास में आप उस पॉइंट को लिख के रखो, क्योंकि ये आपका कोर्स है, ये सिर्फ एक 1-to-1 1 घंटे का हमारी बातचीत नहीं है, ये आपका कोर्स है, और मेरी जिम्मेदारी है कि जो आपको समझ नहीं आया वो समझाना। ओके, तो आप जिससे भी अभी मैं कनेक्ट होता हूँ, जिससे भी हम बात करते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन बताइए, और क्वेश्चन के साथ साथ कोई भी डाउट है अगर तो वो डाउट भी बताइए। तो आज हमारे पास क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम डाउट को एकदम डिटेल में क्लियर कर सकें,
लेकिन मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर ट्राई करूंगा कि वो डाउट आपका नेक्स्ट क्लास में सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट है अकबर शेख। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अकबर जी, बताइए। हाँ सर, कहानी, मैं राइटर हूँ, मुझे स्क्रिप्ट राइटर ही बनना है। ओके, और मैंने एक लिखा भी हूँ पूरी तरह। तो जो कैरेक्टराइजेशन की जो बात है, वर्कशॉप भी हो रहा है, कैरेक्टराइजेशन पर ही है मेन लग रहा मुझे। तो कहानी लिखते वक्त मैं अगर कोई कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो उसका डिस्क्रिप्शन एज ए कैरेक्टर, वो कैसा लुक होगा, वो क्या पहनता है, ये आना चाहिए कहानी में एज ए राइटर? हाँ, एज ए राइटर अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को इमेजिन करके लिख रहे हैं, आप किसी ऐसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान से अलग है, हाँ। तो आपको, या फिर आप कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो हम किसी एक ऑरा की दिखा रहे हैं, जैसे हमने 90s की दिखा रहे हैं या 80s की दिखा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो 6 फिट का इंसान होगा, वो कपड़े इस तरीके के पहनेगा कि वो बेल बॉटम पहनेगा या फिर ट्राउजर पहनेगा, जींस टी शर्ट डालता होगा या फिर फॉर्मल डालता होगा, उसके बाल ऐसे होंगे, उसका उसका दाढ़ी ऐसी होगी, ये चीजें मेंशन करना जरूरी है। अगर आप जरूरी है ना, अगर आप ऐसा कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं जो नॉर्मल कैरेक्टर है, अगर आप लिखा कि एक लव स्टोरी चल रही है जिसमें एक लड़का है, स्मार्ट सा लड़का, एक स्मार्ट सी, एक ब्यूटीफुल सी लड़की है, तो आप उसको फ्रीडम दे सकते हैं कि वो डायरेक्टर के ऊपर है कि वो कैसे डिजाइन करेगा। स्पेसिफिक एक ऐसा कैरेक्टर लिख रहे हैं कि जिसकी कैरेक्टर की पहचान उसके हुलिये से और उसके कपड़ों से होती है, अच्छा, है ना? जैसे आप देखो सुल्तान मिर्जा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा का जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसको जब लिखा गया होगा तब उसमें वो डिटेल्स दिखी गई होंगी ऑब्वियसली। अच्छा, व्हाइट कपड़े पहनेगा, सिगरेट पिएगा, ये सारी चीजें लिखी रही, बिल्कुल। अच्छा, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखना है अगर, हाँ, उसको आपको मेंशन करना हो, अच्छा, और उसमें बाकी जान डालने का काम होगा डायरेक्टर का। हाँ, बराबर, इम्प्रोवाइजेशन वो मिलके होगा आगे। जी जी, वो फिर आपकी मीटिंग्स में आपके साथ मिलके जो भी इम्प्रोवाइजेशन उसमें पॉसिबल होगा वो होता है। अच्छा, और दूसरा स्क्रिप्ट नरेशन जो होता है जी, वो किस तरह होता है? स्क्रिप्ट नरेशन की जब बात आती है और राइटर जब स्क्रिप्ट नरेशन देने बैठता है तो एक्शन हमारा पार्ट लिखा रहता है जी, फिर जो है पैरेंथेटिकल लिखा रहता है, कैरेक्टर का नाम लिखा रहता है, फिर उसका डायलॉग लिखा रहता है, तो क्या एक्शन के जो लाइनें हैं वो भी डिस्क्राइब करना जरूरी है? देखिए स्क्रिप्ट नरेशन में, हाँ, अगर आप स्क्रिप्ट नरेशन दे, कंप्लीट नरेशन दे, एक होता है वन लाइन, हाँ, अगर आप किसी को सिनॉप्सिस सुना रहे हैं, वन लाइनर सुना रहे हैं, तो ना उसमें डायलॉग सुनाए जाते हैं, नहीं नहीं, ना उसमें एक्शन बताया जाता है कि क्या चल रहा है, सिर्फ उसमें कहानी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है कि हम इस चीज की कहानी ले रहे हैं। अब आते हैं कंप्लीट नरेशन में। कंप्लीट नरेशन जब किया जाता है तो आपने जो भी लिखा है उस एक एक लाइन, एक एक वर्ड, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे आपका वो मूड हो, क्या हो रहा है, हर चीज आपको नरेशन में बोलनी है, कंप्लीट नरेशन बोला जाता है वो, उसको कंप्लीट नरेशन, आपके चाहे 200 पेज हो, 100 पेज, हाँ, हो, आपको उसमें नरेशन में बताना, उसमें चाहे 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, बिल्कुल। अच्छा, स्क्रिप्ट जो है मैक्सिमम कि अगर हम पूरी फिल्म लिख रहे, चाहे 3 घंटे की फिल्म लिख रहे, तो जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखा हो तो मेरे 142 पेज हो रहे, ओके, तो चल जाएगा, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो अपडेशन हो सकता है ना? बिल्कुल। अच्छा, देखिए टाइम ड्यूरेशन आजकल मूवीज का जो चल रहा है वो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे, इससे अच्छा, ज्यादा मोस्टली मूवीज आजकल नहीं जा रही, 2.5 घंटा पकड़ो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पहले बनती थी 3 घंटे की। हाँ। और स्क्रिप्ट लिखने का एक पैटर्न क्या होता है कि स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं और उसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि आप जो जितने भी पेजेस लिखते हो तो एक पेज को 1 मिनट में काउंट करके उसको माना जाता है। जी, मैंने इसलिए सवाल पूछा ये कि 142 पेज है तो उसमें फिर अपडेशन करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें आप कुछ अपग्रेड करते हो, आप
आपका सजेशन कुछ डायरेक्टर देता है जो जो स्क्रिप्ट फाइनल कर रहा है वो देता है, या आपको खुद को आगे चल के ऐसा लगता है कुछ इसमें अपडेट करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ, वो तो मिली जुली सरकारी चलानी है तभी काम सक्सेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा कहानी का नरेशन दे सकता हूँ, एक दो तीन मिनट का, मैंने जो लिखा है तो क्या ये सही तरीका है लिखने का? कहानी तो मेरे रजिस्टर है, लेकिन मैं क्योंकि मैंने कहानी भेजा तो मेरा थोड़ा सा रिजेक्शन आया, इसमें अपना एक्सराज में भेजा, एक्सेल एंटरटेनमेंट में भेजा, तो थोड़ा सा रिजेक्शन आया, तो मैं थोड़ा सा आपको नरेशन देना चाहता हूँ कहानी। मैं आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, हम एक प्रॉपर सेशन रखेंगे जिसमें राइटर्स लोग जो रहेंगे, अगर उनको डाउट मतलब इस पे है कि हम सही लिख रहे हैं या फिर सही हमारी राइटिंग जा रही है या नहीं, तो उसपे हम एक सेशन मैं बात करूंगा, तो हम एक सेशन रखेंगे जिसमें स्टार्टिंग से हम उसमें उसी पे बात करेंगे कि राइटिंग स्किल्स आप सिनॉप्सिस अपने अपने बता पाओगे। अच्छा, तो उसमें वन टू वन उस दिन बात करेंगे आज, क्योंकि हमें और भी सवाल लेने होंगे। तो चलेगा चलेगा सर, थैंक यू, आपने जितना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बिल्कुल, आपकी जो स्टोरी पे बात हम करेंगे आगे भी, हाँ हम एक सेशन रखेंगे ऐसा जिसमें हम स्टोरी पे बात कर सकें। चलेगा, मैं जो कहानी सुनाऊंगा वो आप कहानी किसी और को रिकमेंड करेंगे कि ये कहानी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है। हाँ, मैं भी दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे कंटेंट लिखो और बहुत अच्छे कंटेंट बनाओ, तो आपकी ये जर्नी अभी से स्टार्ट हो गई है, आप ये समझो। जी, मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है, एक मतलब सोशल इश्यू, सोशल जो टॉपिक है उसको टच किया है, बहुत प्रॉपरली है मेरे हिसाब से, लेकिन आगे आपको नरेशन दूंगा तो सेशन ऐसा ही रखूंगा, ऐसा ही एक हम सेशन रखेंगे जिसमें हम इस पे ही बात करेंगे कि किसने क्या कंटेंट और क्या प्रोग्रेस हुई है आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद, आप में क्या चेंजेस आए, आप लोगों ने क्या स्टार्ट किया। हाँ, हाँ. तो हम एक क्लास इस पे रखेंगे। चलेगा सर, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है अंकुश। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ अंकुश बताओ। सर आप मुझे देख ही रहे हो? ओके सर, मैं आप पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सर आपसे रिलेटेड के सर आप क्या बनना चाहते थे, फिल्म डायरेक्टर ही बनना चाहते थे सर या फिर एक्टर बनना चाहते थे? तो सर मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, क्या मैं जान सकता हूँ? देखिए पर्सनल हमारी लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कुछ भी होता है, क्योंकि अगर मैं आगे जाके एक्टर बन जाऊंगा तो भी आपको स्क्रीन पे दिखूंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा तब भी कहीं ना कहीं हो सकता है न्यूज मीडिया के कवरेज में आपको दिख ही जाऊंगा। तो अभी मैं दोनों ही काम कर रहा हूँ, मैं एज एन एक्टर भी वर्किंग में हूँ और एज एन डायरेक्टर भी वर्किंग में हूँ। बाकी ड्रीम की बात अगर की जाए तो ड्रीम सबके अलग अलग होते हैं, वो चेज करने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली अभी जिस जगह पे हम लोग हैं और ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से कभी किसी की लर्निंग और किसी का वो ड्रीम कम्प्लीट होता नहीं है। तो हाँ तो सर ये मेरा क्वेश्चन था कि सर कि ये फील्ड में अगर हम एक्टर का सोच के आते हैं बट चले किसी और में जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्शन, ये सब में चले जाते हैं, मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब किधर भी जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं बहुत कंफ्यूज था सर कि मैंने अभी ग्रेजुएशन पास किया है, तो सर मैं ऐसा कौन सा कोर्स करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में कि मैं सब कुछ सीख पाऊँ इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैं कहीं भी काम कर सकूँ इंडस्ट्री में? तो सर क्या मुझे ऐसा कोई कोर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे प्रोवाइड करोगे सर, बताओगे कि मुझे ये करना चाहिए, गाइड दोगे सर? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अंदर अपने अंदर शायद कुछ क्वालिटीज देखी होंगी, आपने इस इंडस्ट्री में अभी आपको ये नहीं पता कि आपको किस पोस्ट पे काम करना है, लेकिन आपको ये पता है कि आपको इंडस्ट्री में काम करना है। हाँ सर, मुझे इंडस्ट्री में एक्टर के पोस्ट पे काम करना है। आप अपने आप को कम से कम अभी इतना समझ पाए हो कि मुझे बाकी अलग काम नहीं करने, कॉर्पोरेट या मेडिकल या ये नहीं करना, मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। तो आपने जब अपने आप को इतना समझ लिया है तो आप थोड़ा और वक्त दो अपने आप को और अपने आप को समझने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री में अपने अंदर की एबिलिटीज, काबिलियत और हमारा इंटरेस्ट क्या है। yes, sir. आपने जैसा कि बोला एकदम सही बात है कि यहाँ इंडस्ट्री में मोस्टली लोग जो हैं वो एक्टिंग के लिए ही आते हैं, फिर yes. बाद में कई लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो बन कब जाते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, उनको फोर्सफुली कभी नहीं बनाया जाता है और फोर्सफुली कभी कोई बन भी नहीं सकता है। बनते वो तभी है जब उनको वो चीज पता चल जाती है कि मैं आया एक्टिंग के लिए था लेकिन मुझे
कास्टिंग डायरेक्टर का काम करके ज्यादा मजा आ रहा है, या मुझे राइटिंग करके ज्यादा मजा आ रहा है, या मुझे डायरेक्शन में ज्यादा मजा आ रहा है। तो ऐसे करके थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाती है, लेकिन आप रहते हैं इंडस्ट्री में ही, तो आप पहले अपने आप को समझो। और कोर्स तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसा कोई कोर्स स्पेसिफिक एक कोर्स ऐसा नहीं हो सकता किसी भी चीज का कि आप जिसमें डॉक्टर इंजीनियर और मार्केटिंग वाला सारे समझ जाओ, ऐसा ही यहाँ पे भी नहीं हो सकता कि आप एक कोर्स में डायरेक्शन राइटिंग एक्टिंग सारी चीजें समझ पाओ। सर मुझे एक कोर्स मिला है जी, उसका नाम है एमए इन फिल्म टेलीविजन न्यू मीडिया प्रोडक्शन। ओके सर, इसके बारे में मैं डिटेल से जानना चाहूंगा सर, क्या ये ठीक है? क्योंकि बहुत ढूंढने के बावजूद मुझे एक कोर्स मिला है जिसमें मैंने देखा कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, डायरेक्शन का, स्क्रीन प्ले, राइटिंग वाइटिंग का, तो सब कुछ आ गया। कहां से मिला आपको ये, किस इंस्टीट्यूट से है? नहीं नहीं सर, मैंने गूगल पे चेक किया कि आफ्टर बीए, सर मैंने बीए से पास आउट किया है ग्रेजुएशन इन हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से सर। तो अभी मैं मुंबई में सेटल हो गया हूँ सर, तो मुंबई में अभी नॉर्मल एडवांस एक्टिंग कोर्स का स्टूडेंट और साथ में ऑफलाइन भी कर रहा हूँ सर, नियर बाय जॉइन टू बॉलीवुड करके मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि ऑफलाइन भी सीखना बहुत जरूरी है। तो सर वो जॉइंट फिल्म को थोड़ा दूर हो जाता था, जॉइंट फिल्म का मेरे पास ऑलरेडी प्राइम है, ऑनलाइन का मैं सीख रहा हूँ। सर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैंने एक फर्क तो सीख लिया है कि ऑनलाइन भी वही है, ऑफलाइन भी वही है, बस हमको एक्शन टेकर बनना पड़ता है। हम ऑनलाइन में एक्शन नहीं लेते, ऑफलाइन में वो एक्शन ले लेते हैं। तो अभी मुझे बहुत बहुत समझ में आया कि हाँ ऑनलाइन भी और अच्छा सीख रहे हैं हम, ऑनलाइन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आने जाने में बहुत सारी चीजें। तो मैंने अभी सर ऑनलाइन इतने सारे कोर्स ले लिए हैं, एडिटिंग का भी, जॉइंट फिल्म का ले लिया है, इंटर LFH से फिल्म मेकिंग का भी ले लिया है। सर आपने सुना होगा LFH, सर अनलिमिटेड है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग डली है और व्हाट्सएप सपोर्ट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप पूछ सकते हैं। अगर अनलिमिटेड है और उनके पास इतना डेटा है तो वो सिखा सकते हैं, ऑब्वियसली उन वीडियोस से आप सीख पाओगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड। अगर आपको कोई बोले कि एक महीने में मैं सारे डिपार्टमेंट आपको सिखा सकता हूँ या छह महीने में सिखा सकता हूँ, तो वो फिर गलत होता। हाँ ये है कि आपको छह महीने में सारे डिपार्टमेंट का एक बेसिक नॉलेज दे सकता है कोई इंस्टीट्यूट। तो आप अगर इस तरीके का कोर्स आपने ढूंढा है और आपको मिला है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स में ट्राई करना अगर चाहते हो और बेसिक नॉलेज सबका लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बाकी आपको किसी एक डिपार्टमेंट पर फोकस करना होगा, ये मेरा फोकस है। तो सर मैं अभी आपको समझना होगा आपको कि आप किस चीज में बेटर हैं और किस चीज में आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर, अभी मैंने सर एक पे फोकस तो एक्टिंग पे किया है, बट मेरे को लगता है कि सर कहीं ना कहीं मेरे को नीड पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, कहीं मुझे ठोकर ना खानी पड़े, इसलिए मैं एडिटिंग एंड ये सब चीजें भी साथ ही साथ सीख रहा हूँ। क्योंकि बहुत अच्छा है अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और अपना आप पैशन को आप चेस करते हैं, अपने ड्रीम को चेस करते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप करिए इसको। और सर एक फोकस आपका जो है, आप उसमें मेहनत करिए, आप मेहनत करोगे तो हर चीज पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक एक्टर को सर ये सब चीज की नीड तो होती है, एडिटिंग एंड डायरेक्शन ये सब की उसको पहले से पता होगा, तो सर प्लस पॉइंट होता है एक एक्टर के लिए। ऑब्वियसली आपको अगर बैक कैमरा नॉलेज है, आपको कि स्क्रीन के कैमरे के पीछे किस तरीके का काम होता है, कैसे टेकिंग ली जाती है, कैसे सीन डिजाइन किए जाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है, उससे आपका परफॉर्मेंस सुधरता है। एडिटिंग पर्पज से भी थोड़ा बहुत हेल्प बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये कटिंग के बाद क्या चीज लगने वाली है, और आपको जब शूट टेकिंग होती है तब आपको भी पता चलता है कि ये यहाँ से क्यों लिया जा रहा है, यहाँ से सीन क्यों लिया जा रहा है, और मैं इसमें अगर मेरा क्लोज शॉट लगा हुआ है तो मैं कैसा दिखूंगा, उसमें मुझे किन चीजों पे फोकस करना है, आईज पे फोकस करना है, लिप्स पे फोकस करना है, है ना। अगर मैं चल के आ रहा हूँ, मेरा लेग्स का शॉट लग रहा है, तो मुझे लेग्स पे कैसे फोकस करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे कंट्रोल रखनी है, ये सारी चीजें आपको अगर आप बैक कैमरा नॉलेज रखते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एज एन एक्टर। ओके सर, सर अगली नेक्स्ट सीजन में अगर आप आओ तो पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई कोर्स लेके आओगे क्या सर? ओके, ट्राई करूंगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा। आप क्या करना, ग्रेजुएट पास अगर हो तो क्या करें? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कुछ भी सजेशन, ट्राई करूंगा मैं, कुछ जो भी पॉसिबल होगा जरूर बताऊंगा मैं इस बारे।
थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू. ओके नेक्स्ट. सर नेक्स्ट है अरबाज खोकार. हेलो सर. हेलो जी अरबाज, बताइए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम अरबाज, बताइए. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है. क्वेश्चन ये है, मान लो शायद आपने इस सिचुएशन जो प्रॉब्लम वो शायद आपने फेस किया होगा. क्वेश्चन ये रहा है कि सर, मतलब फिल्म लाइन है एक, हाँ, तो उससे रिलेटेड क्या है कि हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर क्या इसको मतलब वैसे बोलते हैं कि ये गलत है, हराम है, मतलब इसका जो पैसा कमाया जाता है वो भी हराम है. तो शायद आपने शायद ये प्रॉब्लम फेस किया हो, तो सर मैं उसके अकॉर्डिंग, आप मुस्लिम हो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप ये सवाल पूछा. सर आप बता सकते हो, क्योंकि ये मैं रिजेक्शन झेलता ही रहता हूँ सर, इसे मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इस चीज़ के लिए, तब मैंने आपसे ये सवाल किया सर. ओके, तो आप इंडस्ट्री में आने से आप जो एक्शन लेते हैं वो रोक हैं लोगों के द्वारा, है ना? हाँ, वो मतलब हाँ सर, क्या कि वो तो मतलब दूसरे को उनको पता, वो बोलते यार ये गलत है, क्योंकि परिवार में भी काफी ऐसे है कि वो बोल देती है. अभी क्या है कि मेरे परिवार के अंदर ये मैं एक ऐसा हूँ कि मैं इस लाइन के अंदर मतलब इस चीज से रिलेटेड हूँ. मैं क्या जिद की वजह से, मतलब मेरी जिद है कि मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ सर. बट सर क्या कि ये कुछ बार ऐसे रिजेक्शन आते हैं, उनको झेलना ही पड़ता है सर. ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे सर. देखिए अरबाज, मैं आपको बहुत सीधी सी लाइन में बताऊंगा कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है. मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है कि ऐसा लोग बोलते हैं. आप हिंदू धर्म में या किसी दूसरे धर्म में भी चले जाओ, जो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कुछ चीजों में कुछ कुछ एक्टिंग को लेके मना करते हैं. कुछ दूसरी चीजें भी ऐसी हैं इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्रीज में भी, जो दूसरे काम होते हैं उनमें भी लोग मना करते हैं, कह रहे ये काम हमारे लिए नहीं है, ये काम हमारे. तो मुस्लिम होने का इससे कोई ऐसा रिलेटेड ऐसा कुछ वो है नहीं. हाँ, ये है कि बोला जाता है कि ये चीज गलत है हमारे उसमें, हमारे इस्लाम में गलत है, ये है वो है. हाँ, वो सबके सामने ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन ये आपको प्रूव करना है कि गलत कैसे नहीं. हाँ, बस यही चीज मैं जानने के लिए सर, मैं इतने ये थिंकिंग बना के रखी है कि ये चीज गलत है. ऑब्वियसली वो गलत होगी, लेकिन आपको प्रूव ये करना है कि नहीं, ये गलत नहीं है. क्योंकि हर काम को करने का तरीका अगर सही है तो वो हर काम सही है, जो लोगों को गलत लगता है. अब मैं कुछ बार तो सर, कुछ बार तो ये ऐसा होता है कि सर मैं उनको ये बोल देता हूँ कि भाई इसके अंदर भी मेहनत लगता है, कोई फोकट में थोड़ी आता हर काम, कोई फोकट. ये आपका जवाब बहुत अच्छा है कि ये कोई चीज में नहीं मिलती. आप 4 साल पढ़ के, 5 साल पढ़ के, 6 साल पढ़ के आप इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन सकते हो. आप एक्टिंग में कभी श्योरिटी नहीं दे सकते कि मैं 10 साल, 5 साल या 2 साल का स्ट्रगल करके मैं एक्टर बन ही जाऊंगा या मैं डायरेक्टर बन ही जाऊंगा. यहाँ पे आपकी जो मेहनत है वो अनलिमिटेड है. एक बार डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद आपको डिग्री मिल जाती कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो. यहाँ पे आपको डिग्री देने वाला कोई नहीं है कि आप 2 साल या 10 साल सीखने के बाद भी आपको कोई प्रॉपर दे दे कि हाँ आप अब एक कंप्लीट एक्टर हो. ये कोई नहीं बोल सकता, आप खुद नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस इतना लंबा है. तो ये आप ऐसी चीजों पे ध्यान देना छोड़ो, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि आपका आगे जाके 1 साल 2 साल 6 महीने या जितने टाइम बाद भी आप सक्सेस होते तो आपका काम बोल सके लोगों के सामने, और आप उन लोगों को ये बता पाओ कि सिर्फ चीजों को दूर से देख के गलत बोलना बहुत गलत चीज है. आपको उस चीज की सच्चाई पता नहीं तो आप उस चीज पे इस तरह आप दूसरे को रोक नहीं सकते आगे बढ़ने. हाँ, कुछ बार ऐसा भी होता है कि सर मैं मतलब मान लो 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ सर, क्या ठीक है, मैं पक्का नमाजी हूँ, तो मेरे को कुछ क्या बोलते हैं यार तू एक नमाज पढ़ने वाला इंसान मतलब ये काम कर रहा है. मैं ये चीजें भी मतलब कुछ बार फेस करता हूँ, उसके बावजूद मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्या कि नमाज भी पढ़ रहा हूँ साथ में इस्लाम का भी काम कर रहा हूँ, तो अपना मेहनत का भी काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब दिमाग में लेके चलता हूँ. तो इससे रिलेटेड सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे. देखिए मैं बहुत क्योंकि आप एक मतलब मुस्लिम छोटी सी चीज में खत्म करूंगा इसको, क्योंकि हमेशा बोला गया कि आप अपना हलाल रोटी कमाओ, है ना? तो हाँ सर, ये हलाल ही है. आप इस्लाम में यह है कि आप मेहनत जिस चीज की कर रहे हो और आप उससे कमा रहे हो, चीज हलाल है आपके लिए, और हलाल रोजी कभी गलत नहीं बताई गई इस्लाम में. तो आप मेहनत करके कमा रहे हो, आपके लिए हलाल है, और आप 5 वक्त के नमाजी हो, आपको भी इतना इल्म होगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है. तो जो बोल रहे हैं उनको आप अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे रहो, आपको जब तक अच्छा लगता है, जब तक आप ये काम करना चाहते हैं, आप बेशक बेधड़क होके करें. कोई टाइम सर बताऊं,
देखो सर ऐसा है कि ये एक्टिंग सीखना भी एक मेरी जिद है, क्योंकि मेरे घर में परिवार में कोई मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं। अगर मैं इसके लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, जितना भी कैसे करता हूँ, मैं अपने पास से करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिद से कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे को इसमें कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। उसके बावजूद भी मैं कर रहा हूँ सर लगातार प्रैक्टिस, जितना भी कर रही, जितना मेरे से होता है उतना मैं, क्योंकि ये सवाल था ना उसकी वजह से मैं क्या कि आपसे सवाल किया कि आप एक मुस्लिम हो, उसकी वजह से। अरबाज आप सर बिल्कुल इस बारे में मत सोचो, और आप जिस तरीके से आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो ना, आपके सामने थोड़ा धार्मिक मसला है, लेकिन कई लोग और भी हैं जो हो सकता है इस क्लास में भी होंगे जो अलग अलग तरीके से रिजेक्शन फेस कर रहे होंगे। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है या उनकी भी फैमिली सपोर्ट, क्योंकि हमेशा हर चीज में लोगों के लिए इजी नहीं है। तो रिजेक्शन सबके पास होते हैं, हर धर्म के लोगों के पास होते हैं और हर कैटेगरी के लोगों के पास होते हैं। कई 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 लोगों के पास ऐसे रिजेक्शन होते हैं कि वो फीमेल है इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करती फैमिली, तो वो भी अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे डट के अपने आप को प्रूव करते हैं और इंडस्ट्री में अपना नाम कमाते हैं। तो आप टेंशन छोड़ दो, आप बिल्कुल अपने सीखते रहो, अपने आप को ग्रो करते रहो, और जो भी लोग बोलते हैं ऐसी चीजों उनको इग्नोर करो। सबसे सीधी सिंपल सी चीज है, आप इग्नोर करो और अपने काम में लगे रहो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ बताया, मैं उसके लिए बहुत थैंक यू सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है अलीशा मलिक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए अलीशा। सर एक फुल मूवी होने के लिए, जैसे आपने बोला है आजकल मूवी डेढ़ घंटा दो घंटा ज्यादा से ज्यादा ढाई घंटे की होती है, तो उसमें मिनिमम तो मैक्सिमम कितना सीन आएगा सर, मुझे वो जानना। क्या आएगा चेंज, मतलब सेंस नहीं, सीन मतलब कितना आता है, मतलब एक फुल मूवी में सीन। हाँ देखिए, सीन तो डिपेंड करता है फुल मूवी में आप किन किन चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर आपने देखी होगी धमाका, जो कार्तिक आर्यन की मूवी थी धमाका, आपने देखा होगा उसमें कोई लोकेशन ही चेंज नहीं होती, सारे स्टूडियो के अंदर खत्म हो जाती, सिर्फ एक वो न्यूज रिपोर्टर का दिखाते हैं कि वो ब्रिज के ऊपर न्यूज कर रही है ना। तो ऐसी मूवी अगर लिखी जाती तो उसमें बहुत सारे सीन्स के चेंजेस, लोकेशन चेंजेस या फिर कॉस्ट्यूम चेंज नहीं होते, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा एक ही कॉस्ट्यूम में कार्तिक आर्यन को दिखाया स्टार्टिंग टू एंड, सिर्फ रिपोर्टिंग करते हुए, है ना। और एक ही कॉस्ट्यूम में मृणाल ठाकुर को दिखाया गया है जो रिपोर्टिंग करती है, बाकी फिर वो उनके कुछ मॉन्टाजेस थे जो पुराने चले, जिसमें सॉन्ग वॉन्ग वगैरह उन्होंने दिखाया जिसमें कुछ अलग कॉस्ट्यूम थे। लेकिन अगर आप यही चीज देखो तो किसी किसी मूवी में इतनी ज्यादा चेंज होती है कि उसमें 50 लोकेशन होंगी, 50 तरीके के कॉस्ट्यूम चेंज होंगे। तो जितने ज्यादा इस तरीके के चेंजेस होते हैं उस तरीके से उतने ज्यादा सीन डिजाइन होना करना पड़ता है। कि जैसे कि मान लो आपने दिखाया 4 दिन की आप कंटिन्यूटी दिखा रहे हो अगर किसी मूवी में, कि वो मूवी 4 दिन की स्टोरी दिखा रहे हो आप, तो 4 दिन में आपको चेंजेस दिखाने पड़ेंगे, तो उतने सीन आपको चेंज दिखाने पड़ेंगे। और अगर आप कोई मूवी ऐसी दिखा रहे हो जो फुल लेंथ मूवी है लेकिन वो एक रात की मूवी है, तो एक रात की मूवी में अगर कैरेक्टर के कपड़े भी चेंज नहीं हो रहे और एक ही बंगलो में खत्म हो रही है या फिर एक कार में खत्म हो रही है या एक ट्रिप पे खत्म हो रही है जो रास्ते में जा रहे हैं, तो उसमें उतने कम सीन होंगे। और जिसमें जितने ज्यादा दिन का हम शेड्यूल दिखाएंगे उसमें उतने ज्यादा सीन होंगे। तो डिपेंड मतलब इसमें सीन लिमिट कुछ भी नहीं होता है सर, मतलब डिपेंड स्टोरी पे कुछ भी नहीं है, डायलॉग्स की लिमिट कुछ नहीं है, ड्यूरेशन का लिमिट होता है ऑब्वियसली कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, लेकिन ड्यूरेशन के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको 10 सीन में खत्म करना है या 15 सीन में खत्म करना है, ये कोई लिमिट। ओके ओके सर, और एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम लोग अगर राइटर असिस्टेंट पे, हम अगर सॉरी आपका वॉइस, आप एक बार वापस से रिपीट करेंगे, हेलो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हेलो जी जी अभी बताइए। हेलो हेलो यस सर, सर अभी 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 आ रही है सर। हाँ हाँ अभी सर अभी आ रही है आवाज। जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। मतलब मैंने क्वेश्चन किया था कि राइटिंग एसोसिएशन में जब हम लोग अपना स्टोरी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें फुल स्क्रिप्ट मतलब प्रॉपर सीन बाय सीन मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा कि मतलब डायरेक्ट एक स्टोरी को रजिस्टर कर सकते हैं हम लोग।
नहीं, आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड करानी होती है और उसके साथ साथ आपको टाइटल रजिस्टर्ड कराना होता है, जो मूवी का नाम होगा वो रजिस्टर्ड कराना होता है और कंप्लीट स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड करानी होती है। ओके, मतलब सीन जितना भी सीन्स वगैरह होंगे डायलॉग, आप फुल स्क्रिप्ट, मतलब हाँ जी स्टोरी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद वो पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होती है और उसका मूवी का टाइटल अलग रजिस्टर्ड होता है। ओके जैसे सर वन लाइन में आप मतलब वन लाइन में हम लोग को स्टोरी बतानी होती है और सिनॉप्सिस उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है सर? सिनॉप्सिस में डिफरेंस ये है कि सिनॉप्सिस में आप स्टार्टिंग टू एंड आप ये बता सकते हो कि हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हमारा मिडिल पार्ट ये होगा और हमारा क्लाइमैक्स ये होगा, इस तरीके का होगा। वन लाइनर ये होता है कि आप क्या दिखा रहे हो, आप कोई हिस्टोरिकल मूवी दिखा रहे हो, है ना, आप कोई लव स्टोरी दिखा रहे हो, आप मर्डर मिस्ट्री दिखा रहे हो, है ना। तो उसमें आप जैसे मान लो आपने मर्डर मिस्ट्री दिखाया और आप ऐसा बोल सकते हो वन लाइनर में कि हम एक मर्डर मिस्ट्री लिख रहे हैं और हम उसको आपको अप्रोच करने आए हैं जिसमें एक लेडी है जो सीरियल किलर है और जो बच्चों को अपने अपने मजे के लिए, सीरियल किलर अपने मजे के लिए उसको उन बच्चों को मारती है, तो ये वन लाइनर हो गया। ये एक दिल्ली की कहानी है, ये मुंबई की कहानी है जिसमें एक फीमेल सीरियल किलर है जो बच्चों को मारती है और फिर उसके पीछे एक कॉप आता है, पुलिस वाला आता है जो उसको पकड़ने के लिए पूरी मूवी में चेजिंग चलती है और ये वन लाइनर हो गया। अब सिनॉप्सिस का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रेच कर दिया जाता है कि एक इस तरीके का कैरेक्टर है, जो लड़की है वो सीरियल किलर है, वो बच्चों को उठाती है, उनको अलग अलग तरीके से मारना दिखाते हैं हम, बीच में मिडिल पार्ट में उनको ऐसा दिखाते हैं कि उनकी चेजिंग होती है, वो उसको पकड़ लेता है, फिर क्लाइमैक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जो भी आप लिखोगे क्लाइमैक्स। तो सिनॉप्सिस इस तरीके का होता है ना। वन लाइनर में सिर्फ बताया जाता है कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, सिनॉप्सिस ये होता है कि हमने क्या काम किया स्टार्टिंग टू एंड, और कंप्लीट स्टोरी फिर वो विथ डायलॉग्स विथ स्क्रीन प्ले हो जाती है। हेलो जी, आपको आवाज आई मेरी? हाँ मुझे आ रही थी सर, आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ अभी आई आपकी आवाज। ओके, तो आप समझ गए क्या होता है सिनॉप्सिस? हाँ यस मैंने सुना आपकी पूरी बात सुनी सर। और जॉइंट फिल्म में सर ऑफलाइन ये स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स अगर मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए लूँ तो उसका प्राइस कुछ आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? प्राइसेस तो मैं नहीं, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको ये सपोर्ट टीम से ही आपको कॉल पे बात करनी होगी तो वो आपको सारा डिटेल्स दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। ओके सर नेक्स्ट है अराहन अली। ओके हेलो हाँ सर नमस्ते। हाँ सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सॉरी भूल गया था। कोई बात नहीं, बताइए जी। सर मैं HWA में रजिस्टर्ड हूँ जी। जी सर, और मैं लिखता हूँ मतलब कहानी फिल्म की। अच्छा जी सर, तो मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे मैं 1 साल हो गया है सर जी, ये मतलब मैं रजिस्ट्रेशन करवाया था और एक कहानी को उसमें मतलब रजिस्टर भी करवाया था जी सर, तो वो क्या है उसके बाद मेरा मोबाइल खो गया, मतलब वो स्क्रीन भी खो गई जी, जिसका मतलब वो था ईमेल आईडी जी, वो मैं भूल गया सर। अब दूसरी सिम ले लिया हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ जानकारी चाहिए थी कि उसका फिर मेरे को जैसे वो करवाते हैं ना सर, साल भर में होता है कि 3 साल में होता है, तो वही स्क्रिप्ट आप दोबारा रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ऐसा? जी सर, मतलब मैं और लिखा हूँ दो स्क्रिप्ट और है, उसको भी कराना है मेरे को तो। अच्छा। उसको नहीं, मैं पहला वाला सवाल नहीं समझा कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसकी स्क्रिप्ट खो गई तो वो आप दोबारा? स्क्रिप्ट नहीं खोई है सर, वो सिम खो गई, जो मोबाइल सिम थी जिसमें जिसका ईमेल आईडी था। ओके ओके
जी तो वो क्या खोल नहीं पा रहा हूँ मैं अपना, मतलब रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, मतलब अपना कोड भूल चुका हूँ मैं उसका। ओके, तो मेल आईडी नहीं खुल रही है आपकी। जी जी सर। इसके लिए तो आपको थोड़ा टेक्निकल आपको पता करना होगा कि कैसे उसका क्या ऑप्शन है। अगर उसके लिए, अगर सिम का आपका नंबर चेंज हुआ है तो उसके लिए आप टेक्निकल थोड़ा सा किसी, आप किसी फ्रेंड से या किसी से भी आप पता कर लो, तो वो आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देंगे। दूसरी चीज ये कि आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है और नई वाली, तो आप जी उनको बेशक अगर आपकी कंप्लीट है स्क्रिप्ट तो आप उनको रजिस्टर्ड कराइए, और जहां भी तो आपकी स्क्रिप्ट अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप उनको पिच करिए किसी डायरेक्टर को या किसी प्रोडक्शन हाउस में। जी सर, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो और किससे कराना पड़ेगा? नहीं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपके वहां पे डिटेल्स होगी फुलफिल पहले से। आपका सिर्फ मेल आईडी ओपन नहीं हो रहा ना, वहां तो आपका जी। रजिस्ट्रेशन है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है मेल आईडी बंद होने से। और मेल आईडी एक्चुअली देखा जाए आपकी बंद नहीं हुई, आपकी सिर्फ सिम खोई है। तो आप उसको किसी टेक्नीशियन को या किसी जानकार को दिखाइए, वो आपकी मेल आईडी ओपन कर सकते हैं, जी सर, जी सर। है ना? तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन है आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन है, SWA से आपका रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ होगा मेल आईडी बंद होने से, तो आप वो टेंशन मत लीजिए। जी सर, और मैं गाना भी लिखा हूँ सर, गाना भी है मेरे पास जी जी, फिल्म के लिए ही लिखा हूँ सर उसको स्पेशल, बहुत वो फिल्म के लिए। जी जी। तो गाना भी और आप गाना ऐसा है कि आप अगर गाना लिखते हैं और गाना भी अगर आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, गाने के आप लिरिक्स रजिस्टर्ड होते हैं तो आप वो करा लीजिए। और अगर आप पहले किसी को सुनाना चाहते हैं कि ये मैंने सही लिखा है या कुछ में कुछ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप किसी म्यूजिशियन को या किसी आसपास में किसी ऐसे इंसान को, या फिर हमारे यहाँ पे भी आप बैक सपोर्ट टीम से बात करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो म्यूजिक वाला डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे एक मेंटोर है नटराज दस्तीजा, जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है, तो वो आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, आपके फीडबैक दे सकते हैं उस गाने को लेके, है जी सर, जी ना? सर। और एक क्वेश्चन हो रहा जी जी बताइए सर, वो मैं क्या है अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्या है मेरी पारी ही नहीं आ रही है। मतलब यही है बोल रहा था कि मैं पिछले कई दिनों से जुड़ा हुआ हूँ जी। इस क्लास में, लेकिन नहीं, मेरे मैंने क्या जैसा, है जैसे मेरी स्टार्टिंग में क्या नाम था, अकबर जी से भी, शायद अकबर जी नाम था उनका, तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो हम एक सेशन ट्राई करते हैं, मैं बात करता हूँ, हम एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें हम राइटर्स को जो भी उनके पास कंटेंट है उस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का कंटेंट आप लोग लिख रहे हैं और किस तरीके के कंटेंट पे आपको और काम करना चाहिए, हम उस पे डिस्कस करेंगे। तो वो कोई टेंशन नहीं है, है ना? अभी तो हमने शुरू किया है क्लासेस, अभी तो हमने एक सफर शुरू किया है डायरेक्शन का आपका, तो वो अभी लंबा चलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे सबकी बारी भी आएगी और सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और एक और मैं बहुत सारा प्रश्न है सर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बताइए इसमें बताइए। क्या था, मैं टाइगर जिंदा में जिंदा है कि फिल्म देखा था मैं 2017 में, उसके जी बाद मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टोरी लिखा था सर उस समय, और उसी समय रजिस्टर मतलब वो करवाया था, उसके बाद 1 साल हुआ है रजिस्ट्रेशन जी उसी को कराया था। अब वो क्या है, मैं यूट्यूब में देखता हूँ कि टाइगर 3 बन रही है, बिल्कुल तो मैं सोचता आने हूँ कि वाली। उसको सुनाऊं जी, उसको सुनाऊं या भेजूं या ऐसा कुछ भी, तो उसको हटा के दूसरी स्टोरी लिखा हूँ, 2 और है, तो वो लिखना ठीक है सर कि मतलब उसको देना ठीक है सर, वो बन देखिए, गई थी। आपने अगर उसको उसके स्टोरी के आगे का कुछ लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन अभी तो वो उसका थर्ड पार्ट तो आने वाला है, जनवरी में ही आ जाएगा, है ना? जी तो सर अगर आप उसको कुछ अगर कन्वर्ट करके कुछ तरीके से अलग करके आप उसको इंडिविजुअल कहानी अगर आप बना सकते हैं तो आप उसमें वो कर दीजिए, एक आइडिया मेरा ये रहेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप वेट करिए टाइगर 3 का, अगर वो आपकी स्टोरी टाइगर 4 में जा सकती है तो फिर आप उसको उसके लिए अप्रोच करिए कि ये मैंने उससे भी जी आगे सर की स्टोरी लिखी है ना? तो जी आपको सर क्या करना मैं होगा यही कि जी जी आपको क्या जी करना होगा, आपने अगर इस पेज पे आपके पेपर पे कुछ भी लिखा है तो ये सिर्फ आपको जी पता है कि मैंने ये लिख लिया, अब आपने उसको घर में ऐसे रख दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है अपनी अपनी स्क्रिप्ट पे, अपने लेख लिखने पे, तो आप क्या कीजिए, आप कुछ कांटेक्ट यहाँ से हमारी सपोर्ट टीम से बात कीजिए, या फिर कुछ अपने अपने अगर बेसिस पे आप कांटेक्ट निकालना चाहते हैं निकालिए, और आप अपने जो लिखा है आपने
उस चीज को लेके मार्केट में आइए और आप देखिए आपको ट्राई बहुत करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा कोई फ्री नहीं बैठेगा कि हाँ आप आइए और मुझे सुनाइए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मैंने ये लिखा है और प्लीज आप एक बार इसको सुन लीजिए, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आप एक बार मुझे नरेशन का टाइम दीजिए, तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ लिख के और अपने अपने ताबूत में रखते जाएंगे तो वो किसी मतलब की नहीं है, तो आप लिख के आप उसको मार्केट में लाइए, आप कोशिश करिए, ट्राई करिए लोगों से मिलने का, लोगों से कॉन्टेक्ट करने का, और अगर आपको हेल्प लगती है, जो भी हेल्प लगती है, तो वीरेन सर का बोलना है यहाँ पे कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप सपोर्ट टीम से एक बार बात कर सकते हैं, जिस भी चीज का आपको डाउट है, तो आपको कुछ भी ऐसी चीज लगती है तो आप एक बार सपोर्ट टीम से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं उसको पिच कैसे करूं, है ना, बाकी तो मैं यहाँ पे हूँ, आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें आपको समझ नहीं आती वो आप मुझसे। मैं वो डायरी भी लिया था सर, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो फोन नंबर वंबर आते हैं ना सर, वो वाला डायरी ऑनलाइन मंगाया था मैं जी, और उसमें मैं बहुत सारा कॉल भी किया, लेकिन सब बोलते हैं कि ये गलत नंबर में लगाए हो आप, ऐसे बोलते हैं उसमें, तो मैं किसी को दे नहीं पाया सर। और क्या है, मैं बहुत दूर गाँव में रहता हूँ सर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ना आप एक बार सपोर्ट टीम से बात करिए, वो हो सकता है उसको डायरी का भी आपको सॉल्यूशन देंगे कि उसमें से कौन से नंबर हो सकता है, कई नंबर पुराने हो जाते हैं इसलिए बंद हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको सपोर्ट टीम बेहतर बता सकती है कि आप इस जगह पर मेल कर दीजिए, क्योंकि आजकल देखिए मेरे हिसाब से फोन करने से ज्यादा अच्छा है आप अगर किसी को मेल करेंगे अपनी स्क्रिप्ट या सिनॉप्सिस या वन लाइनर, और अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो आपको आगे रह के कॉन्टेक्ट करेगा। दरअसल मैं यही पूछने वाला था एक तो कि मैं जैसा आप में से कोई भी हो सर, जैसा टाइम हो, तो मैं आपको मेल करना चाहता हूँ, जैसे पूछना चाहता हूँ कि सही लिखा हो कि गलत लिखा हो, यही पूछना चाहता हूँ। क्या मेरी वाइफ है सिर्फ सर, मतलब मेरी वाइफ को मैं स्टोरी अपने ना अपनी वाइफ को सुनाता हूँ, जैसे मोबाइल लाइनर हो या पूरी स्टोरी हो जी। नहीं बहुत अच्छा है, देखिए आप मैं बोलूंगा कि आप एक बार सपोर्ट टीम से बस बात कर लीजिए, जो भी आपको वहां से फीडबैक आता है आप उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए। अगर वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे मेल कर दीजिए तो आप यहाँ मेल कर दीजिएगा, या फिर वो आपको और भी ऑप्शंस देते हैं, मेल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आप यहाँ यहाँ मेल कर सकते तो आप वहां मेल कर दीजिएगा। और सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये होगा कि आप गूगल पे सर्च करो, जो भी प्रोडक्शन हाउस है आप उनके मेल निकालो और मेल आईडी पे वहां पे आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी रजिस्टर्ड है, आपको उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं कि वो किसी और के पास चली जाएगी, आप मेल करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, ओके, चलिए तो आज का सेशन हम खत्म करते हैं यहाँ पे, है ना। बाकी जो लोग रह गए हैं ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में उनसे बात कर पाए और जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको समझ पाए और आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर आप ये लोग ध्यान रखिएगा कि हम जिस भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आप उन टॉपिक्स में जो भी डाउट्स हो, आज मेरा जैसा वर्कशॉप का था तो उसके बाद जो भी डाउट्स रहते हैं आप उनके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।